एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेस, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार दिला सके होम बेस और बिल्डर बेस दोनों में। यो गाइस, सो बहुत टाइम बाद हम बना रहे हैं हमारा वीडियो। बीच बीच में मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रहा था, लेकिन अब हम आ चुके हैं वापस एक लॉन्ग वीडियो के साथ। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये एक बहुत ही एक्टिव चैनल है, सो आपको नए नए ऑसम वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, इंफॉर्मेशनल वीडियोस, CWL टाइप वीडियोस, सो गाइस कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, कीप लाइकिंग माय वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो चलिए, अब आज जिस वीडियो के लिए हम मिले हैं वो है जो अगस्त क्वालिफायर चैलेंज आया है उसे कंप्लीट करना कैसे। मैं आपको बताऊंगा कैसे कंप्लीट करना है अगस्त क्वालिफायर चैलेंज एकदम इजी स्टेप्स में। ये कंप्लीट करके हमें मिलने वाले 2 बिल्डर पोर्शन, 21 जेम्स और 400 XP वैल्यू। सो गाइस, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से अटैक करना है और फिर आपको लाइव अटैक करके दिखाऊंगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे वार्डन वॉक से। जो एरो बताया वहाँ पर वार्डन वॉक शुरू करेंगे और वार्डन वॉक का टारगेट होगा इन्फर्नो मेन। ये एक इन्फर्नो, मल्टी इन्फर्नो हम लेने की ट्राई करेंगे। और जैसे ही वो इन्फर्नो डाउन हो जाए फिर यहाँ पर एक आर्चर डाल देंगे, एक आर्चर जो है वो। और फिर ये 2 पोजीशन पर हमें डालने हैं सुपर वॉल ब्रेकर्स। सुपर वॉल ब्रेकर्स की हम पहले यूज़ कर लेंगे ताकि वो वॉल्स तोड़ दे। और फिर जैसे ही अपना वार्डन जो है वो इन्फर्नो टावर डिस्ट्रॉय कर देगा तो उसके साइड में हम डाल देंगे आर्चर क्वीन। सो वार्डन जो है वो आर्चर क्वीन के साथ चला जाएगा, लेकिन ध्यान रखेगा पहले इन्फर्नो डाउन करना है। और अब इस पोजीशन में हम डालेंगे बार्बेरियन किंग और विचेस और विजार्ड्स। तो ये यहाँ पर देखिए, सेंटर में हमें डाल देना है लॉग लॉन्चर और जो लेफ्ट साइड का एरो है वहाँ पर हम डालेंगे पैकास, आइस कोलम और सुपर विजार्ड्स। और यहाँ पर जो है वो हमारा बार्बेरियन किंग और विचेस और विजार्ड इस तरफ चले जाएंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा लाइव अटैक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, लेट्स रोल ऑन फॉर द लाइव अटैक। आप बेस देख लीजिए अच्छे से, आपको स्टैट्स बता दिए मैंने किस तरह से अटैक करना है। तो वार्डन पहले ध्यान रखेगा आपका एयर है या ग्राउंड, अगर एयर हो तो उसे ग्राउंड कर लीजिए क्योंकि ये फुल एक ग्राउंड अटैक है गाइस। तो हमारा वार्डन ग्राउंड होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वार्डन वॉक से। देख सकते हैं मैंने वार्डन वॉक जिस तरह पोजिशन पर बताया था वहाँ पर शुरू कर दिया है। यहाँ पर एक आर्चर डाल दिया है और एक बलून भी ऐसे छोड़ दिया है ताकि वो कैनन को डाउन कर दे। और अब यहाँ पर जो 2 पोजीशन थी वहाँ पर सुपर वॉल ब्रेकर डाल दिए, देख सकते हैं आप। और अभी अब हमें वेट करना है कि वार्डन इन्फर्नो टावर को डाउन कर जाए, क्योंकि ये जो मल्टी इन्फर्नो टावर्स है वो हमारे ट्रूप्स को बहुत ही डैमेज दे सकते हैं। और हमारा इस बार ग्राउंड अटैक है फुल्ली, पैकास मैश अटैक है विद सुपर विजर्ड्स। तो चलिए पहले इन्फर्नो डाउन हो दे, तब तक वेट करेंगे हम। टाइम की टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है, टाइम इजीली हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, अब इन्फर्नो डाउन होने वाला है तो आर्चर क्वीन रेडी कर लिए मैंने, और इन्फर्नो डाउन होते ही मैंने डाल दिया आर्चर क्वीन, देख सकते हो आप। और उसी के साथ आइस गोलम, लॉग लॉन्चर, और अब इस पोजीशन में डालेंगे बार्बेरियन किंग और विचेस और 3 विजार्ड जो है वो। और अब लॉग लॉन्चर के बाद हम डाल देंगे पैकास, सुपर विजार्ड्स और सारे बलून्स डाल देंगे। मिनियंस बचा के रखना है, हेड हंटर भी बचा के रखना है, रॉयल चैंपियन भी बचा के रखना है। और ये याद रखिएगा, यहाँ पर तुरंत रेज मत डालिएगा, रेज डालने के लिए वेट करिए, पहले ट्रूप्स को अच्छे से अंदर जाने दीजिए और CC लॉर आउट होने दीजिए। और अब यहाँ पर देखिए, जो स्कैटर शॉट और आर्चर क्वीन दोनों थे तो वहाँ पर आपको डालना है फ्रीज, हेड हंटर। और अब यहाँ पर CC ट्रूप्स निकल चुके हैं तो पॉइजन डाल देंगे और फ्रीज के साथ। और फिर तुरंत ही यूज़ कर लीजिए अपनी वार्डन एबिलिटी ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुपर मिनियन से। और यहाँ पर देख सकते रॉयल चैंपियन और किंग बहुत अच्छा काम कर रहे, स्कैटर शॉट आर्चर क्वींस यहाँ पर सब डाउन कर चुके हैं वो दोनों। तो इसीलिए आपको बढ़िया फनल क्रिएट करना है यहाँ पर। अब देखिए, हमारे ट्रूप जो है अब सेंटर में टाउन हॉल की तरफ पहुँच चुके हैं, तो हम रेज पर रेज अब यूज़ कर सकते हैं, सारी की रेज बची हुई है और वो यहाँ पर यूज़ कर लीजिए आप। तो आपका अटैक इजीली 3 स्टार हो जाएगा यहाँ पर, देख सकते हैं आप। अभी भी एक रेज बची हुई है तो वो भी यूज़ कर ली। और देख सकते हैं मैक्सिमम ट्रूप्स हमारे बचे हुए, आर्चर क्वीन फुल हेल्थ पे, वार्डन फुल हेल्थ पे, रॉयल चैंपियन अभी अभी डाउन हुआ है, बार्बेरियन किंग अभी भी बचा हुआ है थोड़ी सी हेल्थ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्चर क्वीन जो है वो अटैक कर रही है वहाँ पर, और यहाँ पर तीनों पैकास दिख रहे हैं और साथ ही साथ JT और वार्डन भी है, बार्बेरियन किंग भी है उस तरफ। आर्चर क्वीन की एबिलिटी यूज़ कर ली है तो अब वहाँ पर एक भी डिफेंस नहीं बचा है, आर डिफेंस बचा है सिर्फ एक।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बार्बिन किंग के साथ पेकाज है, तो इजीली अब ये देख सकते हैं 30 सेकंड्स बचे हैं, फिर भी अटैक ऑलमोस्ट हो जाएगा 3 स्टार हमारा यहाँ पर। और गाइस फिनोमिनल 3 स्टार हमें मिल गया यहाँ पर। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से वीडियो देखेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में ना भी हो तो 3-4 अटैम्प्ट में तो आपका 3 स्टार ज़रूर हो जाएगा। और यहाँ पर अब हमें मिल चुके हैं हमारी वैल्यू। तो गाइस मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस, सी यू सून।